आद निरंजन है गुरु नानक धार के मूरत है जाग आयो लोक सुनियो परलोक सुनियो बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जाग आयो आद करो गुरुदेव को बंदन वाहिगुरु मुख माही उचारी दोए कर जोर करो चरणा पर जाऊं सदा गुर को बलिहारी कान सुने उपमा गुर की गुरमूरत ध्यान हृदय में धारी वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब सेवक सरण गही दरबारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत अच्छल करणा निधान दीना बंधु पतत पावन जगत गुरु निरंजनी ज्योत धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान कृपा बख्शिश का सदका सतगुरु जी के दरों घरों भरों साहेब महापुरख धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोवाल वाले और उन्होंने चरण सेवक संत बा महेंद्र सिंह जी और उन्होंने तो भरोसाए संत बा दीदार सिंह जी और अज संत भगवान सिंह जी ने उद्यम किया है देश प्रदेश दिया नगर दिया समूह संगतां सारे सेवादारां दे सहयोग नाल धन धन बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज जी की बरसी सलाना जात मनाउण दा उद्यम किया गया है। शरीर जड़ा है ये खट बकारी है इहदा काम है जमना ते मरना ये शरीर का धर्म है जो उपजो सो बिन सहै परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाट सगल दिन जा राम गयो रावण गयो जाको वह परवार को नानक तिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। भुख प्यास जिहड़ी है ये प्राणा का धर्म है हर शोक मन का धर्म है ये खट बकार दे है जिहड़ा तत्वेता ज्ञानवान महापुरख है वो हर शोक तो उपर टप जाता है हर शोक जाके नहीं बैरी मीत समान कौ नानक सुनरे मना ज्ञानी ताहे बखान। दो पंक्तियां विच धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिन्हों का पंथ वालों 400 साल मनाया जा रहा और 16, 17, 18 बाबा बकाला साहब की पावन धरती विच श्री अमृतसर साहब की खबर आपने पढ़ी है किनिया सजावटां कीतियां जा रही हैं क्योंकि महाराज का अवतार स्थान गुरु के महल श्री अमृतसर साहब जी है। अज असी महापुरखों की याद विच बैठे पुरख तो सारे ही है पुरखों में चोर भी है जार भी है डाकू भी है बदमाश भी है व्यवहारी लोग भी है राजनीतिक भी है समाजिक भी है पर सारिया के नाल जिहोजा उहदा कर्तव्य उहदा नाम लग जाता वो नाम जुड़ जाता
और इन्हां दे नाल महापुरख नां क्यों लग्या? महान पुरश, पुरश तां सारे ही है, पुरखां विचों महान पुरख होना। महापुरख का संग पाया इस वास्ते अज असीं महान पुरखां दी याद विच बैठे हैं। धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज, जिन्हां दा जन्म 1899 3 मई 21 वैसाख नगर लंगेरी, पिता सरदार नारायण सिंह जी, माता राजकौर जी दे ग्रह विखे बाबा कानदास जी दे वरदान नाल होया। पहला आप जी दे 7 भैणां सियां, माता जी माइयां नाल मकान गए। कुदरती मडेरां वाले महापुरख बाबा कानदास जी दे दर्शन होए, बिचों माइयां ने कहा भी संत महापुरख जा रहे हैं। संतां दी माता कहण लगी, बथेरे साध देखे आ, सानू किसी ने पुत्र की दात नहीं दिती। महापुरख जाने जाण भी सी, बचन भी सुनिया, कहण लगे माता जी बथेरे देखे आ, पर संत कानदास तां पहली वारी मिलिया। जाओ, तुहाडे 3 पुत्र होणगे, इक साडा होएगा। बड़े सरदार जमादार जी, छोटे महाराज, उन्होंने छोटे भाई दयाल सिंह जी, और माता जी बड़ी सोच पवित्रता रखते सी। पेचिस की बीमारी हो गई उदों, अज कल वांगू बहुते हस्पताल नहीं सी होंदे। जलंधर भी तो बहुत ज्यादा ही है। मालपुर जाते सी वैद को, वो पेचिस की बीमारी उत्थे खूह चलता ही साफ सफाई कर लगे। माता जी कहिंदे जां तां इह मर जाण ते जां राजी हो जाण, कि मैनू तां नरक विच पा दित्ता। इन्ने नूं इक ज्योतिषी आ गया रमलिया, तो पत्री कोल सी पचांग, जिहड़े गीटे जिहा रोड दे उह सी तिलक बिंदी छापा लाया होया। कहिंदे पंडतां कोई टेवा शेवा भी जाणदा है, देखता है बच्चा राजी होएगा कि नहीं। वो जिवें हुंदा उन्हां गोले जिहा रेड़े ते बड़ियां सिफतां कीतियां, माता जी ने चांदी दा रुपया दिता। कहिंदे पिंड जा के होर भी पूजा करांगे, सही सही दसणा। उदों ही वो बीमारी रुक गई। किले नगर आए तो उत्थे आदरिष्ट हो गए। उस तो बाद सही 1907 विच फौज में चले गए, सूबेदार ज्वाला सिंह जी द्वारा। धन धन बाबा आया सिंह जी महाराज जी की शरण विच गए। जदों के सूबेदार जी ने धन धन बाबा आया सिंह जी महाराज जी ने बेनती की कि हुण तां मारा फ्रंटियर के इलाके च आप जी के दर्शन करते हाँ, जदों असीं उधर जावांगे फिर किहड़ा संत है जी दे दर्शन करिए। हुणे संतां दी गल कीती सी, गल इह आ भी अज कमजोरियां साडे समाज च भी बहुत आ गईआं। हुण फुल खिड़िया होवे ना, बहुते प्रचार की लोड़ नहीं, उहदी सगंधी अपने आप खिंची जांदी है। कमी साडे समाज च भी बहुत पै गई है, माफ करना। सो साध संगत जी कहन लगे दर्शन की करने, तेरी फौज नमे रंगरूट आया, तेरा ही सरनामिया उन्हों नाल लेके आयो। जदों सूबेदार साहब जी ने संतां नूं कहा, कहिंदे मैं तो उन्हां दे दर्शन नहीं किते, ना कर दित्ती। जदों सूबेदार साहब जी ने फिर जाके दसिया, कहिंदे मैं तो जानदा नहीं। कहिंदे उन्हों कहीं भी तुसीं नहीं जानदे, मैं जानदा। फिर अफसर का कहना मनना पैना सी। जदों गए तो धन धन बाबा आया सिंह जी महाराज जी ने ना नेत्रां ने नेत्र मिलाए, अमृत बचन की ब्रिष्ट कर, कृपा दृष्ट के साथ, भूप पै विचरत भयो, बिरथा ना साध मलाप। पर साध हो गए, साध कौन है? दसे इंद्रे साध, साध सदा जिन्हें अपनिया इंद्रियां नूं
मन बुद्धि नु साध लिया, आत्मा नु साख्यात कर लिया, उही संत हैं। वो संत सी दंडवत प्रणाम कीती, कई घंटे पै रहे, कहंदे महाराज जी कृपा कटाख अवलोकन किनो दास का दुख बधारियो। कहंदे महाराज उठदे नहीं, कहंदे जदों कहणगे मैं जान गया उदों उठाल। फिर महाराज ने चरणों की शोह दिती, कहंदे हुण फौज की नौकरी नहीं करनी, तुहाडी नौकरी करनी। कहंदे पांच साल हो रहे, उस तों बाद फिर तुहाडे बहाने फौज विच कईआं दा भला होणा। संतां ने फिर फौज विच मीट शराब आंडे छड़ाते, अंबर छकाते, जर्मन की लड़ाई आ गई। वो गोरे कहन लगे कि शराब बिना दलेरी नहीं आती, मास बिना ताकत नहीं मिलती, किवें जंग लड़िया जाएगा। संत कहन लगे जिहड़ी साडी पलटन आ अमृतधारी वैष्णो, एक पासे खाण पीण वालियां 14 बटालियां ना हो जाण, एक पासे साडी फौज होएगी, मुकाबला करा के दे। संतां दी पलटन ने अपने 14 बटालियां नूं लक तोड़मी हार दित्ती। फिर यकीन आया, इस तरह फिर बाबा आया सिंह जी महाराज जी दे चरणां च, इह कम ना कर, लफाफे वाले बहुत मिल जाने तुहानूं। अजकल लफाफे च बंद हो जाता ना कम, हुण निष्कामता तो रही नहीं। गुरु ग्रंथ भी पैसे दे के प्रकाश करा लो, पैसे दे के सोकासन करा लो, पैसे दे के कथा करा लो, पैसे दे के कीर्तन करा लो, पैसे दे के भांडे मजा लो। हुण तो 500 सालों के लंगर साड़िया माइया तो बना ने, वह भी हुण बहरे सदते, ब्याहां च भी यही कम है। पर गुरु नानक साहब के घर में निष्कामता बड़ी है। सेवा कर तुहे निष्कामे, तिसको होवत प्राप्त स्वामी। तुही संगी तो सारे हैं, कई तो है ही नहीं, अं बाबा महिंदर सिंह वर्सी मना है। वह बहर आपो अपनी मीटिंग करी जाते, हाल सारा वेला पिया, कृपा करके सारे अंदर आ जाओ। जड़िया गल्लां तुसीं करदे हो ज़्यादा जरूरी ने, जड़े काम लई घरों छड़ के आए हैं, संगत च बैठ के महापुरखों के बचन सुनने, ये ज़्यादा जरूरी है। किराए भी पटे, समा भी छड़िया, और दिल्ली किन्ने लखे बंदे बैठे है बजे, इस करके बेनती मन लो, क्योंकि सानू भुल गया ना, साल पिछों संगत करनी होंगी, अगे पिछे होंगी नहीं, वो संगत च बहना भुल पल गया। पर राड़े की स्टेज पर है बरकत, हाले भी उन्हां दी संगत नहीं आ घूमूगी, सारे बैठे होंगे। ये ऐसी कृपा, तो तुही सारे सत्संगी हैं, तुहानू कहण दी लोड़ ही नहीं। फिर साध संगत जी 1917 विच फौज त्यागी, संत बाब बिशन सिंह नंगल वाले गए सेवा करते रहे भांडे मांजण दी। धन धन बाबा आया सिंह जी महाराज, कहिंदे बिशन सिंह कोई मंगला है? कहिंदे संत ज्वाला सिंह जी नूं दे दे। वो फेदर लैके आए, फिर हरखवाल ये जंगल में उन्होंने 1918 च आसन लाया। 15 सुखमणी, 25 जपजी साहब, 5 ग्रंथी दियां बाणियां दे 5 नितनेम, ये संतां दा नितनेम सी। कहिंदे महाराज सुंदे कदों सी? कहिंदे 12 साल धरती ना पिठ ला के नहीं देखे। 12 साल तुरे जांदियां भावें झूठ आ गया होवे, संत मन नूं तां हरेक दा चित करदा, पर कमाई तो बिना गल बनदी नहीं। ये बचन तां दसदा कि जे किसे नूं संत बन दा शौक आ, वह महापुरखां दे जीवन तों सेध लै लो। ते फिर 1957 विच 28 कत्तक 13 नवंबर भावें बरकत मिल गई, फिर भी बाबा मस्तद मेले वाले ज्ञान चंद जी उन्हां दा बचन मन के 35 दिन उत्थे रहे। 2.5 किलो घ्यो कत्तक दा महीना इउं शरीर च जज्ब हुंदा सी, महापुरखां दे कौतक। उत्थे उह सचखंड ये लीला वरताई, डेरे वालिआं नूं आखणा महाराज डेरे चलो,
पर देख लो अखीर कहंदे नहीं डड्डा डेरा नहीं जैन डेरा तू जान वह डेरा को संजमो गुर का शब्द पछाण डेरा निश्चल साध संग पाए इन्हां चीजां तो भी निर्लेप सके। ते बाबा महिंदर सिंह जी बाबा भाग सिंह दे चरणा च आए संत बग्गा सिंह दे नाल पहला रहे कीर्तन करते रहे अखंड पाठ भी करते रहे घड़ियाल पिंड इत्थे आए संत बाबा भाग सिंह जी जो संत हरी सिंह कहारपुर वालिआं दे शिष्य सी उन्हां दे चरणा च रहे संत ज्ञानी जोध सिंह जी की प्रेरणा नाल धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज की चरण शरण उन्होंने 1946 प्राप्त हुए 47 पाकिस्तान बन गया 57 तक महापुरखों के चरणों में रहे। विद्वाना ने धर्म के 10 चिन्ह मने गुरु ग्रंथ साहब का थोड़े विच दस दिता है सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म ते सार कितावली वाला दसदा खेमा अहिंसा दया मृद सत बचन तप दान सील सोच तृष्णा बिना धर्म लिंग दस जान। चाणक ऋषि ने भी थोड़ा जिहा हैगा इहो जिहा श्लोक है। संत जड़े सी उन्हां विच ये 10 लक्षण पूरे घट गए। मैं उन्हां दे नाल रहा एक तां हुंदा सुनिया सुनाया एक हुंदा नाल रह के सारी गल देखी ते पड़ताली होई। हुण पहला लक्षण धर्म दा है खेमा। उन्हां च खेमा बहुत सी कई वारी बड़ी उन्हां दी निरादरी हुंदी देखी पर बड़ी सहन शक्ति सी खेमा कर जांदे सी। अहिंसा किसी का घात नहीं करना ना मन करके ना बाणी करके ना शरीर करके ये भी संतां च गुण हैगा। दया दया वाला भाव बहुत सी कई बार संत ददार सिंह कहना अभी बहुते पगड़ा वाले मगर ना घूमया कर आ मिठू बस्ती वालों का ख्याल रख्या कर गरीबों का वजन कह देंदे होंदे आ गरीब लोगों का ख्याल करा कर। ते बाबे मास्ता ने इन्ने पढ़ारे कराए उन्हां दी जेब ही बैंक सी बैंक च गए जदों कहने मंगने आ जेबां जो कढ कढ के एक वारी झुंगल माटा जा मारिया ते जाप करन ते महाराज आ गया कहन लगे की कर रहे हैं कहंदे जी माया दा शब्द कहंदे किधर छपड़ा ही वड़ना आ जा समुंदर च वड़ दा बड़े महाराज कहंदे ते चिरमूल ना थोड़ी दो जि चिर आप कृपाल शब्द अखुट बाबा नानका खाहे खर्च धन माल। किन्ने भंडारे मस्तां ने कराए एक बारी दौलोवाल पिंड सतवें पातशाह का स्थान कीरतपुर दे उपर दुध दे विच घ्यो दे विच आटे गुन गुन के बदाम मेवे पा पा के फिर गुन के फिर वो बना बना खीर 101 चीज़ां पा पा के कहंदे पहाड़ियां गरीबां नूं खिलाओ। जदों पुल बनाया उदों भंडारा बहुत बड़ा हले भी उस स्टेज ही कच्ची हैगी है ते इस करके फिर नाम भी उस रोड का पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी 108 संत बाबा महिंदर सिंह मार्ग। आ लीडरां नूं मैं अगे भी कहा पिछली वारी भी कागजां 'च तां नां हैगा बोर्ड लाते गज के बोलो ये ख्याल कर लियो बोर्ड लगने चाहिए उदा नाम संतां दे नाम ते मार्ग सी। सो साध संगत जी दया मृद कोमल सुभाव बहुत ही कोमल सुभाव सी सत बचन सच्चा बचन बोलदे बहुत घट सी। एक तां हुंदा गुंग मौन संत अमीर सिंह जी गुंगे हुंदे ना कई एक हुंदा काष्ट मौन जिवें लकड़िया एक हुंदा जड़ मौन जिवें पत्थर आ एक हुंदा ज्ञान मौन। मर्यादा दा वचन करना फजूल नहीं बोलना वो ज्ञान मौनी सी। कई मौन रख लैंदे आ पर अंतर कल्प भवाई आ जो नहीं
अंदर कल्पना लगी रही, पर सचा मौन से उन्होंने दे। मैं जे नाल रहा पहले पता ही नहीं लगना भी कि सेवा करिए, फिर हौली हौली उन्होंने पश तो समझ आने लग पी। गज के बोलो नाल रहना पता लगन लग जाता हूँ की इशारा करते। आसन सवेरे बिछा, बालन बाल के कोले तैयार करने, दातन कट के रखनी, कशहरा तैयार करके रखना, शनान लिए पानी तत्ता ठंडा तैयार करके रखना, जोत धूफ की समगरी तैयार करके रखनी। हूँ तो अजकल चेला कोई नहीं, गुरु ही है सारे। तो बाबा ज्वाला सिंह ने एक माई ने मुंडा चढ़ाया ना, तो मारे कहते माई की बनाइए, कहती बड़ा कौन होंगे, कहते गुरु, कहते फिर गुरु ही बनाओ। हूँ चेला बनने कोई तैयार नहीं, पर यह कमाई करनी पैंती, कमानी पैंती। जिमें बाबा महिंद्र सिंह जी ने उन्होंने सेवा की लंगर की, बाबा गजन सिंह गड़बड़ी, सो साध संगत जी दया मृत सत वचन, सच्चा वचन किमें बोलना। हूँ अखा तो मनाखा उन्होंने कही आ भी आने वचन तो सच्चा, पर उदा दिल दुखिया। सत वचन अर प्यारो जोई बुद्ध बान जन भाख्या सो। उन्हें कहा आओ महाराज प्रग्ञा चक्षु जी, उदा दिल नहीं ना दुखी। महाराज युधिष्ठिर बैठे है, कसाई गां मगर लगाया, कहते इधर गऊ गई है, वह कहते अखां देख दिया बोल दिया नहीं, जबान बोल दी देख दी नहीं, जद नूं गई लंघ गई घात तो बच गई। ये सियाने पुरशां दे लक्षण है, सत वचन बोलना। तप दान तपस्या, आ हुण तुसीं बैठे हैं संगत, तड़के उठ के इनान करना, चौंकड़ा ला के शब्द सुर का अभ्यास करना, लंगरां दी सेवा करनी, होर बेअंत सेवावां, थोड़ा तपया ते दान, लोड़ कारण दान देना, अन्न का दान भी है, वस्त्र का दान भी, धन का, सोना दान भी, कन्या दान भी। एक गांधी का चेला हुंदा सी, कहिंदा मैं भूमि दान करदा बनोबा भावे, ते विद्या दान, ज्ञान समय दान, तपना खेमा सम। इस वास्ते सब नूं वड्डा दान, सब नूं वड्डा धन धन। बाबा अतर सिंह जी महाराज अज उन्हां दे जन्मदिन, मेरा समा रखिया ही 12 to 2, पर हुण अपने संतां दी बरसी सी, उत्थे होर महापुरखां नूं बेनती कीती है, हुण 16 नूं उत्थे रखिया। सो कहण तो भाव साध संगत जी, सब तो पहलां जिन्हां ने कॉलेज बनाया बाबा अतर सिंह महाराज, ते जाते सिखां च विद्या नहीं आती तरक्की किवें करेंगे। सो साध सत वचन तपदान सील सहनशील, ते संतां च सहन शक्ति बहुत सी। बाबा महेंद्र सिंह तुसीं तां संगत कीती है, हुण नवयां नूं दसना भी पैंदा। ते जत सत ब्रह्मचर्य सौच पवित्रता, पवित्रता जिहड़ी है भी जरूरी है। सच सुच पाई है भी संतन कै पास, अज अपने का थोड़ा परहेज है। आ लंगर हुण होले ते बहुत लगने हैं, रोटी तो मिलूगी सुच सच नहीं होंगी। गज के बोलो आ घर भी ब्याह शादियां बस बहरे बूरे होंगे है, सने टोपी खराब होने होंगे है, भाई अंदर भोग पाते होंगे है, तो बाहर मेच रखे होंगे है, सने मौजे के सने टोपी खदा बन के रोटियां खाते होंगे, डोंगे रखे होंगे, कोई हैगा सच। पर महाराज हरफल डेरे बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने विवेक का पहरा रखिया, शेरे नूं ठाठा सजाउणा, पोचा रोज फिरना, जंगल पानी जाके स्नान करके वस्त्र बदल के हे लंगर तैयार करना। ये महापुरखां ने जो बाबा ईश्वर सिंह का हुक्म सी उते फुल चढ़ाते ही, आ चाह चू जी ढिड फूकनी सी, हुण तां बहुत चल पई है, ये बंद सी। एक बारी बाबा बहाल सिंह सरदाई बनाई विच किते दूजा पाता, कहिंदे कि अखे महाराज जी शहीदी दे गया, कहिंदे महाराज शहीद जड़े वो नशियां ते रहिंदे, जड़ा अपना खबरदार अज तों बाद जो कोई नशीली चीज़ इत्थे लिआउंदी, इन्ना सख्त सी। इस करके हुण अज जड़े चाह पीते छड़ जायो, क्योंकि चाह चूड़ी चाह च म्यारी चाह नीचन की नीच, तू निरा ब्रह्म सी जे चाह ना होती तेरे बीच।
ये चाह इच्छा दे पुआड़े पाए हुए ने सारे ये टिकन नहीं देने सील जात सत ब्रह्मचर्य सहन सील स्वभाव सोच पवित्र तृष्णा बिना संतोख आजना तृष्णा तो बिना धर्म लिंग दस जान ये संतां जे दसे चिन्ह है बाबा में दर्शन दे विच ये दास वो पूरे धर्मी कोई धर्म का मुखौटा पाना निरा धर्मी नहीं बन जाता धर्मी उदों बनता है इहदा मतलब यह नहीं कि आप गुरु के ककार नहीं रखने रखने नाल नाले गुण भी धार सरबलो दे विच दास औगण त्यागण वाला दास गुण करण वाला उहदा नाम खालस है काम क्रोध मोह कार पांजे हो गए आसा तृष्णा ममता ईरखा नफरत ये चीजा त्यागणिया गुण सत संतोख दया धर्म धीरज विवेक जा यही दस गुण गिण लो उदा ना खा लो जिहदे अंदर कोई भी मैल है ते हुण तो खालस है बहुत रख लैंदे मैं खालसा जे कहिए मैल तो रहत हो गया मैल तो रहत होना इस वास्ते महापुरखां दा ऐसा अलौकिक जड़ा जीवन है अत शीतल ने द्रोह चित सहनशीलता सा उन्हां दे मन अंदर कोई द्रोह नहीं कोई छल नहीं कोई ठगी नहीं कोई ठोरी नहीं कोई धोखा नहीं हर वेले सेवा विच सिमरन विच सत्संग विच एक बारी सरदारी रगड़न लाया बाबा महिंदर सिंह जी नूं आनंदपुर बाबे मस्त आ गए संत बाबा महिंदर सिंह को सेवा मैनू दे गए बाबा दे फिर बचन खुले होंदे कहिंदे महिंदर तूं तां बुढ़िया तो चोर मराउण लग जा भी सेवा तैनू लाई सी तू इहनूं किहनूं कीती वो मतलब परखां करदे सी टकोरां ला ला के पर वो टकोरां खादियां बचन मने कई बारी व्यंग किरिया इहो जी करदे सी बाबे मस्त क्योंकि जो डमेली महाराज समाए तो हुक्म कर गए सी बाबे मस्तां दी सेवा कर मस्तां नाल मैं रहा जदों बांह तोड़ी है उन्हां दी किरिया सारी स्नान पानी दी करदे रहे हां लंगर पानी जल पानी छकाउण दी ते साध संग जी असीं भी थोड़ा जिहा कई वार मन च आ जांदी सी कि बाबा जी इउं करदे आ पर धन धन बाबा महिंदर सिंह जी महाराज उन्हां दे मन च शंका नहीं सी पुट्टी क्योंकि जदों कृष्ण वारा गीता लिखते हैं कि संसय आत्मा बनश्यत जिहदे मन च गुरु ते इष्ट दे शंका पैदा हो गया वह तो नष्ट भ्रष्ट हो गया भाई गुरदास साहब कहिंदे शंका मनो मिटाए के पर पकार करे जदों शंका आ गई हुण मोटरिया माड़ा जिहा पखा हवा लै जाए तो पानी नहीं चुकदी गुरु ते माड़ी जी शंका आ गई तो पले की रहा इस करके साध संगत जी अज असीं उन्हां महापुरखां दा उन्हां दा नाम है महेंद्र मही नाम है धरती धरती का इंद्र एक तो स्वर्ग का इंद्र ना वो तो धरती की गौतम की स्त्री देख के उल्ट पासे तुर पिया ये धरती के उत्ते रह के अपना डंका बजा लिया हर मन तन बसिया सोई जय जयकार करे सब कोई इत्थे जिहड़े बाबा मस्त जी कहण लगे महिंदर सिंह जलंधर में लंगर लाए रुड़ जाण असीं भी कहीए बाबा जी की कहिंदे उदों पता लगा जिले लगा पानी हर लहर फिरन फिर वह हरी के पत्तण उदों फौज की लड़ाई सी फौजी विच बैठे होने हैं ते आ लाडो वाली ये निशान बनाया बाबे मस्ताना गए वो फौज वाले कहिंदे इत्थे फिरदे हैं मैं कहा भी असीं तां सेवादार हां बाबा जी बैठे हैं बाबा जी फिर कई बारी दूए श्लोक भी सुनांदे सी कहिंदे इन्हां तों खेमा मंग लो कहिंदे असीं तुहाडी जित लई निशान चलाउण आए हां जे हारना तों नहीं चले जांदे फिर उन्हें माफ़ी मंगी इसे तरह खेम कर बार्डर ते फौजां किवें आ रहीआं सी कहिंदे लंगर ला कहिंदे मारा उत्थे तोपां दे गोले कहिंदे जा जदों लंगर लाया फिर जित शुरू होई सी चीन दे हलो बैंड बाजा लै के चले गए कहिंदे बाबा जी कहिंदे ओह चीन हमला करन आ रहा किसे नूं सुपना बना उहनूं रोकण चले उदों ही पता लग्गिया जदों हमला हो गया सी बाबे मस्त त्रैकाल दर्शी सी सो इस करके साध संगत जी उन्होंने उन्होंने कसवटियां नूं चलिया कबीर कसौटी राम की झूठा टिका ना कोई राम कसौटी सोस है जो मर जीवा उन्होंने पूर्ण महापुरखों की संगत हुई
वो संगत के फलना वो पूर्ण होगा। पूर्ण कब होना? ढोलता पूरा किया प्रभु आप, दिन दिन चढ़े सुवाया नानक होतना काट। लो हुण एक धारना लावांगे, क्यों होर भी महापुरख काफी आए है, बहुता समा ला लाइए, क्योंकि आचार्य कथा महा अनूप ये मुकन वाली तो होंगी नहीं। तो बलटो चो एक दाणा फेह के रख लिया, बाबा जी आ जाओ, तो फिर सारी रिजि का ज्ञान हो जाता ना, सारी रिजि आ जाओ। फिर दूए संतां ने चंगा नहीं मानना, क्योंकि समाज हों इस तरह होंगी है। जब ते दर्शन पाया सतगुर संसा मेरा दूर हो गया, जब ते दर्शन पाया सतगुर संसा मेरा दूर हो गया। बोलो तुसी भी सारे, ब्याह तो माइयो बनेरे ढोने लाए होंगे है, जब ते दर्शन पाया सतगुर संसा मेरा दूर हो गया, जब ते दर्शन पाया सतगुर संसा मेरा दूर हो गया। संसा मेरा दूर हो गया, संसा मेरा दूर हो गया। संसा मेरा दूर हो गया, संसा मेरा दूर हो गया। संसा मेरा दूर हो गया, संसा मेरा दूर हो गया। संसा मेरा दूर हो गया, संसा मेरा दूर हो गया। जब ते दर्शन पाया सतगुर संसा मेरा दूर हो गया, जब ते दर्शन पाया सतगुर संसा मेरा दूर हो गया। ज्ञानी जोल सिंह जी कहन लगे संत बाबा महिंदर सिंह नूं, आ जाओ ते मस्या ते महाराज चेत भादू लंगर लाउंदे सी ना, संत कहन लगे चलो नाल, कहंदे महाराज जी हुण नाल लजाउणा ना, बछोड़ियो ना, नवा दियो, कहंदे इत्थे भी अगे भी बचन दे दित्ता महाराज ने। अज असीं उहनां महापुरखां दी याद विच बैठे हां, कुलिंग पवित्रा जननी करतार्थ, अपनी कुल नूं भी अपनी माता पिता नूं भी धन धन करा गया, धन 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 जाने आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जाने आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। हुण तां कितें नमस्कार कर दईए ना, कईआं नूं एलर्जी बहुत हुंदी है। महाराज कहिंदे उन्हां महापुरखां नूं सदा ही नमस्कार, पर होवे संत हर संतन कर नमो नमो, नौनिध पावै अतुल सुखो। धन धन बाबा हरि सिंह जी महाराज, ऋषि जी महाराज, बाबा महिंदर सिंह जी, कई बार महाराज प्रेम च कह जांदे सी आ काणे दा ते काले दा तप बहुत है, गुस्सा ना कर लिओ। मैं तो वह बचन सुनाया जो महापुरख ने मखारविंद ने कहा, बाबा हरीसू मकेरिया वालों ने, क्योंकि वह काने की सस का किला सी, डेरा भी उत्थे उन्होंने लवाया हुआ। महाराज रणजीत सिंह की सस का सी ना किला, इस सदा कौर का मकेरिए,
कहिंदे इन्हां दोहां ने तिन्हां ने साडे बचन की कमाई बहुत की, कोई अदेह वस्तु रही नहीं। अज असीं उन्हां दी याद विच बैठे हैं। बरसी बारहवें ने बड़े श्रेष्ठ सगे, एक तो बरस हों साल पिछों जड़ा श्रेष्ठ है उदा दिन मनाया जाता, दूए नूं कौन पुछदा। आ कई बार मर जाते चार नुड़ा चुकन वाले नहीं मिलते, उस नेड़े कोई साल हो बेर से बुढ़ा मर गया, कई दिन पिया रहा डरदा कोई हाथ नहीं पाँदा मेरे ते कतल ना पै जाए। पुलिस वाले ने कोर्ट मैनेजर साहब बेनती की थी, फिर भी मानस है संभालीए, मानस दे पर महापुरख। अज उन्होंने बरसियां भावें आ करोने का कहर चली जाता, इहदा भी हवा बहुत बनिया होया, पर फिर भी संगतां प्यार वालियां महापुरख किन्ने आए है। सारे महापुरखां नूं जी आया, सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद है कि तुसीं इस पंडाल की शोभा बनाई है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की महान कृपा है। सो इस करके संत भगवान सिंह जी उन्होंने उद्यम किया, सारे महापुरखों सारिया संगतान सेवादार के सहयोग न यह महापुरखों का समागम मनाया जा रहा है। तो महापुरखों के तो कौतके एक बारी थोड़े यूपी वाले जाते हैं ना, यूपी वो डाकुआ की चौंकड़ी ने घेर ली गड्डी बाबा जी की, बाहर निकलो श्रीमान बाबा महेंद्र सिंह बाहर आ गया, सेवादार भी वह सेवा तो बेचारे कंबन तो महापुरख खड़े अडोल। वो कहिंदे भाई असीं भी छड़े छटां गए, साडे मगर किहड़े छलारू लाउंदे, सानू भी नाले लै जाओ, असीं तुहाडा कम कुम कर दिया करांगे। वह डाकू बड़े शर्मिंदे हो, कमाल की गल, ये कौन है। फिर पता लगा तो संत बाबा महेंद्र सिंह जी हरखोवाल वाले, फिर जी बस वो चरण डिग पै माफ कर दो। तो महापुरखों के नाल सरदार जरनैल सिंह जी कालरे वाले कहिंदे तुहाडा गुरु तो मेरे नाल, जेले ये ना दस्या फिर तो जी चरनी पै। सो इस करके जड़े महापुरख होंगे है, संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंगहार कै जा को पाख स्वामी। वो बेपरवाह लोग होंगे, संतवा अमीर सिंह जी बैठे है, लोगों वाले महापुरख, सारे महापुरख सत्कार योग बैठे, जवाल साहब भी आ गया मैं देख रहा। सो साध संगत जी के जड़े महापुरख है उन्हों का जीवन ही आम लोग तो जिमें संतरा होंगे, उतो तो एक जहा नजर आता, छिल ला दो फाड़ी फाड़ी तो संत खरबूजा उत्तों कतलियां जुड़ियां दे देनगे बिचों एक ही है। हूँ सारे बैठे, कोई नीले वाला, कोई भगवे वाला, कोई चिट्टे पीले वाला बैठा, कोई हैगा फर्क, क्योंकि महापुरख एकतावादी सी। जिमें बहुते फुलां सियाणा माली परो के हार जां गुलदस्ता बना दिंदा, इउं महापुरख जड़े आ वो सारिया संगतां च एकता प्यार इतफाक पैदा करते हैं। सो इस करके इनिया बेनतियां भाई प्रवान कर लियो, आए हुए महापुरखों जी आया धन्यवाद। संत भगवान सिंह जिमें सहयोग दें इवें सहयोग देंदे रहो, चढ़ती कला ज महापुरखों के दिन मनाए जान। हुण छुट्टी दे दिओ, संत बाबा नार सिंह सनेरां वाले वो महापुरख दे मैं आना, तो फिर मैं क्या भी साढ़े संतां की बरसी है, हुण जाके उन्होंने रिसीव करना, इस करके माफ़ी दे दो। सवेरे नानक श्री आए हुए सो महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।